समस्त अभिभावक बंधु भगिनी एवं प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान जो समय है उसमें सबसे प्रथम तो मैं यह अपेक्षा करता हूं परमपिता परमेश्वर से, ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मेरा ये कहने का तात्पर्य, क्योंकि सामान्य तौर पर हम सब लोग सा आनंद इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, किंतु वर्तमान जो वैश्विक महामारी है कोरोना, जिसे हम COVID-19 के नाम से भी जानते हैं, इसने पूरे विश्व में और एक तरह से कोहराम मचा रखा है। पूरा विश्व आज इस महामारी की चपेट में है और हम सभी ये जानते हैं कि क्योंकि इसका कोई अभी ऐसा वैक्सीन या कोई इलाज भी नहीं बना है जिसके माध्यम से इसका कोई अंत दिखाई दे, और उसी नाते से आज की इन विषम परिस्थितियों में पूरे विश्व का जो ताना बाना है वो भी बहुत अलग प्रकार का हो गया है। हम सभी ये भी अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति की जीवन शैली भी बदली है, और हम तो इस प्रकार का अपना देश तो ऐसे संक्रमण से गुजर रहा है, जो लॉकडाउन वगैरह लगे हैं उसके कारण से हमारे जो वर्तमान नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की इच्छा शक्ति और जिस प्रकार का सामर्थ्य दिखाया है, तो उस सामर्थ्य के अनुसार वे निश्चित रूप से हम इस वैश्विक महामारी से, और कुछ हद तक के हमारा जो देश है उसको बचाने में और कामयाब हुए हैं। नुकसान तो हमारा हुआ है, अभी अंत के बारे में भी हम ये सोच सकते हैं कि इसका अभी अंत किस प्रकार का होगा, ये कोई क्योंकि सभी देश लगे हुए भी हैं और सभी ने प्रयत्न भी सभी का चल रहा है, लेकिन अभी अंत इसका दिखाई नहीं देता जब तक कि कोई इसके वैक्सीन वगैरह और जब तक कि कोई इस प्रकार की कोई दवाई इसके बारे में ना मिल जाए। इस समय पर जिस प्रकार का परिवार है उस परिवार में भी जैसा एक विषय चल रहा है कि परिवार की भी जो जीवन शैली है वो बदली है, और उसी प्रकार से एक हम देखते हैं कि घर के अंदर भी रहने का एक सारा विषय बदला है, और वैसा का वैसा ही बाहर से भी रहने का जो विषय है वो भी बदल रहा है, समाज में भी रहने की जीवन शैली बदली है। अभी तो हम लॉकडाउन में ही थे, लेकिन आने वाले समय में समाज में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का फिजिकल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, कहाँ कहाँ हमें सावधानियां रखना होगी, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, अन्य प्रकार की कितने हम प्रिकॉशन रख सकते हैं जिसके कारण ये महामारी, क्योंकि एक संक्रमण से फैलती है, तो यह महामारी एक विकराल रूप रख करके और हमारी बहुत बड़ा हमारा नुकसान नहीं कर सके, इस नाते से हम सब लोग निश्चित रूप से स्वयं तो चिंतित होंगे ही, लेकिन यह अवेयरनेस हम बाकी भी समाज में, क्योंकि हम सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करते हैं, तो समाज में भी इस विषय के लिए अवेयरनेस जो है, इस विषय की जो सुरक्षा के जो उपाय है उसको हम सब लोग एक सामाजिक दायित्व के रूप में उसका निर्वहन करते हुए, और वो अवेयरनेस हम निश्चित रूप से उनको दे रहे होंगे। आज इन परिस्थितियों में विद्यालय किस प्रकार से चलेंगे, देश की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होंगी, देश के बाकी के चाहे रेलवे हो, चाहे परिवहन सुविधाएं हो, चाहे उद्योग धंधे हो, या अन्य प्रकार से छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो भी किस प्रकार से अपना व्यवहार करेंगे, कैसा व्यवसाय करेंगे, इस विषय को लेकर के और सभी लोग एक नए सिरे से एक सामाजिक जो संरचना है
वो बन रही है। मैं कल एक टीवी पर एक डिबेट देख रहा था, तो उसमें ये ध्यान में आता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिस प्रकार का सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया था। और उस समय पूरा समाज और पूरा जो विश्व है, उसमें एक नए तरह का परिवर्तन आया था। आज की यह वैश्विक जो महामारी है, यह भी हमें यह संकेत दे रही है कि वास्तव में आने वाले समय का जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा व्यापार व्यवसाय है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारी हमारी व्यक्तिगत जो हमारी आदतें हैं, हमारे जो स्वभाव हैं, इन सब में एक बड़े बदलाव का जो संकेत है, वो आने वाला समय दे रहा है। और वो समाज जो इन बदलावों को लेकर के चल सकता है, बदलावों को लेकर के उसका जो अंगीकार करेगा, वही समाज आने वाले समय में सर्वाइव करेगा, या आने वाले समय में वो जिंदा रहेगा, या कम से कम कष्ट भोगेगा। अब इन परिस्थितियों में हम सब लोग जानते हैं कि प्रिकॉशन क्या-क्या लेना है। रोजाना जो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या अन्य माध्यमों से भी हम लोग इसको लगातार सुनते आ रहे हैं, और हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात जानने लगा है कि हमें प्रिकॉशन क्या लेना है। बस अब आवश्यकता इस बात की है कि वह हमारी आदत बन जाए, और जिस प्रकार के शिक्षण में और अन्य प्रकार से भी हम इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में पूरा समाज इस प्रकार से चले, और यह अब नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा ही हूं और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। यदि इस प्रकार का स्वभाव लेकर के यदि समाज आगे बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकता। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस विषय को लेकर के भैया लोग अपनी जो है वर्तमान जो ऑनलाइन स्टडी को भी हमने इसी वर्ष अंगीकार किया है। ऑनलाइन स्टडी की जो क्लासेस हैं आपकी, वो आपके जो शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्रयत्न के साथ ऑनलाइन स्टडी जो है आप लोगों की करवाई है, और यह लगातार चलने वाली है। जब तक के अपना विद्यालय ओपन नहीं होगा, तब तक ऑनलाइन स्टडी से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा देश पढ़ रहा है, और इसके एक अच्छे परिणाम मिले हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और उसी प्रकार से आपके जो शिक्षक हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके, क्योंकि यह कोई सरल विषय नहीं है, ऑनलाइन स्टडी यानी कोई सामान्य विषय नहीं है, क्लासरूम टीचिंग की अपेक्षा और ज्यादा कठिन और ज्यादा टफ ये टास्क है, जिसको कि अभी वर्तमान में बड़ी प्रामाणिकता के साथ हमारे जो शिक्षक है वो इसको पूरा कर रहे हैं। आप सब लोगों ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और आप लोग भी लगातार इस पढ़ाई को कर रहे हैं, और इस ऑनलाइन स्टडी के साथ में ही एक कंपटीशन आप लोगों के साथ के लिए मैं यहां से एक लॉन्च कर रहा हूं, और उस कंपटीशन में आप लोग जो COVID-19 या कोरोना जो ये वैश्विक महामारी है, इस संक्रमण को लेकर के, और एक आप लोगों के लिए क्विज कंपटीशन जो है वो आप लोगों के लिए आयोजित होगा। आप सभी उस क्विज कंपटीशन में भाग लें। किस प्रकार की ये महामारी है, कैसा है ये विषय है, इसमें हमें चाहे सामाजिक स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत जीवन स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तरों पर, और चाहे अन्य अन्य जो व्यावहारिक जीवन में जो आने वाली जो समस्याएं हैं, उन व्यवहारों में हमें कैसे व्यवहार करना होगा और किस प्रकार से हमें चलना पड़ेगा, ऐसी ऐसे कुछ सहज और सरल जो प्रश्न हैं, वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत और किए जा रहे हैं आप लोगों से, और उसको लेकर के मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग पूरे उत्साह के साथ में उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और
हम भी यहाँ पर आप सब लोगों के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों की एक सुरक्षित जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से करवाई जा सके, इसके लिए सैनिटाइजर मशीन हो, चाहे क्लासरूम में सैनिटाइजेशन हो, चाहे आपके आवास में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, और कितने प्रिकॉशन रख सकते हैं, जितने हम घर में प्रिकॉशन के साथ में हम रह सकते हैं, उतने ही प्रिकॉशन के साथ में किस प्रकार से हम अपने विद्यालयों में रह सकते हैं, इस प्रकार के फार्मूले, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के विषय में सतत रूप से यहाँ की टीम बैठ करके और लगातार चर्चा कर रही है, क्योंकि हमें हमारे हमारी व्यवस्थाओं के साथ में और इस संक्रमण के साथ में इसको लड़ते हुए और हमें जीना पड़ेगा और हमें आदत भी डालना पड़ेगी और साथ ही इसको संघर्ष से विजय प्राप्त करना होगी। मैं समस्त भैया लोगों का एवं समस्त अभिभावकों का इस विषय पर सहयोग चाहता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग मुझे निश्चित रूप से हमारे शारदा विहार को प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय भारत।